वेलकम टू टुडेज एनालिसिस महू अलख जोशी फाइनली क्या है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम लिस्ट्रेस ने क्या है कि इस्तीफा दे दिया है अब ही सेट आउट अ विजन फॉर अ लो टैक्स हाई ग्रोथ इकॉनमी दैट वुड टेक एडवांटेज ऑफ द फ्रीडम्स ऑफ ब्रेक्जिट आई रिकॉग्नाइज दैट गिवन द सिचुएशन आई कैन नॉट डिलीवर द मैंडेट ऑन व्हिच आई वाज इलेक्टेड बाय द कंजर्वेटिव पार्टी पीछे रीजन क्या था कि इस्तीफा दिया इन्होंने ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है फोर्टी फाइव डेज का इनका वीक का इनका कार्यकाल रहा है जो यूके का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है इससे पहले यहां पर जो प्रधानमंत्री थी सबसे कम दिन की वो एक दिन की थी अब उनका रिकॉर्ड तोड़कर यह फोर्टी फाइव डेज की प्रधानमंत्री रहने वाली पहली कैंडिडेट हो गई है यूके की उससे पहले हम बात करेंगे एक बार आपको ये देखना है कि इस चेहरे को आप पहचानते होंगे हाल ही में रिसेंट में चर्चा में रहा है ये चेहरा बहुत ज्यादा अगर आप न्यूज से अपडेट रहते हैं तो आपको पता होगा इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन जो यहाँ यू युक, यूके की क्या थी कि ये थी गृह मंत्री इन्होंने जब इन जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच से फ्री ट्रेड की बात हुई थी तो इन्होंने एक विवादित बयान दिया था इन्होंने कहा था कि अगर इंडिया और यूके फ्री ट्रेड करता है तो यहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंडियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे ये अपने आप को शो करती है इंग्लैंड अपने आप को यूके में क्या शो करती है कि ये लॉयल है यूके के प्रति यूके के प्रति ये लॉयल है अपने आप को हमेशा इनका ये बयान इसी चीज़ का रहता है कि अपने आप को ज़्यादा शो करती है यूके के प्रति लॉयल तो इन्होंने भी इस्तीफा रिसेंट में दिया है इससे पहले यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो जो नेता थे वो इस्तीफा देते जा रहे थे उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया इनके इस्तीफा के बाद यहाँ पर पार्टी ने ज़्यादा मांग कर दी किसकी लिस्ट लीस्ट रेस के इस्तीफा की और लिस्ट रेस ने इसलिए यहाँ पर इस्तीफा दे दिया अब लिस्ट रेस ने इस्तीफा किया दिया इसका रीज़न क्या था उन्हीं के सभी के बारे में हम जानने वाले हैं उससे पहले आप देखिए एक बार कि ये जो अब से पहले यहाँ पर एक दिन के कार्यकाल पर रहने वाली सो ट्रम्प इनका था सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थी यहाँ पर कौन जॉर्ज स्कैनिंग यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एक सौ दिन के यहाँ कार्यकाल में रही थी लेकिन इनका रीजन ये था कि ये कार्यकाल के दौरान यहाँ पर खत्म हो गई थी अठारह में तो इसलिए इनका कम डेज का कार्यकाल यहाँ था लेकिन राजनीतिक उठा पटक के कारण 45 दिन में लीज ट्रेस यहाँ पर क्या है पहली कैंडिडेट हो गई है कम समय के प्रधानमंत्री रहने वाली अब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है उनके सभी के बारे में हम यहाँ से विस्तार से जान लेते हैं क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि बिगड़ी स्थितियों में मिला था इनको प्रधानमंत्री जब हालत कंडीशन यहाँ पर खराब हो गई थी एक तरह से खराबी थी तो उसी के टाइम इनको यह प्रधानमंत्री मिली थी अब दूसरी बात अमेरिका पक्ष में जाना भारी पड़ गया था इनको कंजर्वेटिव पार्टी, पार्टी के नेता भी नहीं चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री बने और ये इस्तीफा बार बार मांगते भी रहते थे इनसे जेर एम के फैसले से यहाँ पर जो मुश्किलें बढ़ा दी थी और सुएला ब्रेवर मैन के इस्तीफों ने भड़काई बगावत जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो यहाँ पर इनसे भी इस्तीफा मांग लिया गया था कि जो अभी ब्रेवर की हमने पिछली बात की थी वो यही है और भयानक मंदी को कंट्रोल नहीं कर पाई मेन रीजन इनका यही था कि ये कंट्रोल नहीं कर पाई थी कि इसको यहां पर जो बीट्रेन में में प्रेजेंट टाइम भयानक मंदी चल रही है यहां पर क्या है कि अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है तो उसको ये संभाल नहीं पाई इन्होंने क्या है कि भारी कटौती की थी टैक्सों में और टैक्सों में कटौती करने के बाद यह क्लियर नहीं कर पाई थी कि यह टैक्स में जो कटौती की है उसकी भरपाई किस टाइप से करेंगी और किस टाइप से अपनी सरकार चलाएंगी तो इनसे इन, इन इनसे कुछ क्लियर हो नहीं पाया था तो इनके कारण ही इनको इस्तीफा देना पड़ा ये छह रीज़न है बड़े तो इनके इस्तीफा देने के अब यहाँ पर क्या है कि ऋषि सुनक का यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑप्शन खुल गया है अगर ऋषि सुनक यहाँ पर प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो इंडिया को भी यहाँ पर एक जबरदस्त फायदा होने वाला है क्यों अगर इंडिया यह हमेशा ऋषि सुनक हमेशा इंडिया के पक्ष में रहे हैं जहाँ तक अभी तक देखा गया इस चीज को अब हो सकता है बदल जाए वो अलग बात है लेकिन इंडिया के पक्ष में रहे हैं तो यहां से इंडिया को ट्रेड करना या और भी किसी कारण से यूके से जो रिलेशन बनाने हैं उनके संबंध में यहां पर ऋषि सुनक का बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया के साथ तो तो रीजन ये है कि सबसे बड़ा रीजन तो यहां पर भयानक मंदी को ये कंट्रोल नहीं कर पाई थी दूसरा रीजन था सोएलैन ने यहां पर भड़काऊ विवादित बयान दिया था इंडिया के खिलाफ हो सकता है कि देखो यहां पर आप मान के चलना तीस परसेंट इनकी सरकार गिराने में इंडिया का ही हाथ है अब ये समझ सकते हो कि वर्ल्ड वाइड इंडिया इतना मजबूत है कि अब हम दूसरे की सरकार भी यहां पर गिरा सकते हैं अगर वो इंडिया के खिलाफ कुछ गलत बोलते हैं तो आप इंडिया से हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और वीडियो को लाइक जरूर करना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत